नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 और मैं हूं आपके साथ कुसुम प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये सत्र है वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए साइंस का है और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम बता देते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हैं एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री के SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको सर पढ़ाएंगे साइंस और केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम किस तरह से आप अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559 पर। और यदि आप ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे भी नोट डाउन कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर। और इस सत्र को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. तो अब हम जुड़ते हैं हमारे सत्र से। हमारा जो ये सेशन है क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए साइंस का है और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हम रुख करते हैं सर की तरफ। जी सर, आलोक सर, शुरुआत करते हैं सर। जी मैम। हाँ, सभी को नमस्कार। NCERT क्लास 9th एटॉमिक स्ट्रक्चर साइंस में हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। इसकी दो क्लास हमने देख ली थी और उसमें हमने जाना था कि पहले जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को या एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके आधार पर फिर उन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट होता है। उसके बाद ये जो थॉमसन ने मॉडल दिया था जिसकी भी बात हमने समझी थी, और थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड मॉडल की लास्ट क्लास में हमने बात समझी थी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का अधिकांश भाग वेकेंट है, खाली है, जो थॉमसन मॉडल के अगेंस्ट था। थॉमसन मॉडल ने कहा था कि उसके पूरे भाग में पॉजिटिवली चार्ज ग्लोब है और उसमें निगेटिव जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका परमाणु का या एटम का अधिकांश भाग खाली है और उसके सेंटर में, उसके केंद्र में एक कोई बाहरी स्थान मौजूद है। उस बाहरी स्थान में पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक भाग होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसके लिए याद हो तो हमने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमने ये सीखा था। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था, आपको याद होगा तो मैं वापस से आपको समझा देता हूँ कि एक कोई बच्चे को यदि हम कहें एक कोई दीवार है स्टोन की बनी हुई या ब्रिक्स की बनी हुई है और उसकी आंख पर पट्टी बांध कर हम कहते हैं कि आप उस पर पत्थर से या किसी स्टोन से हिट कीजिए, तो आपको लगभग हर बार उस हिट की आवाज सुनाई देगी। लेकिन यदि उसकी जगह हम वायर फेंसिंग लगा दें और वायर फेंसिंग भी काफी दूर दूर लगा दें, फिर बच्चे से कहें कि आप अब पत्थर को फेंकिए, तो हो सकता है आपको बहुत बार उस पत्थर के टकराने की आवाज सुनाई ना दे। क्यों? क्योंकि उन वायर फेंसिंग के बीच में स्थान खाली है। कुछ ऐसे स्टोन्स हो सकते हैं जो वायर फेंसिंग से टकराकर हल्का सा चले जाए, कुछ ऐसे हो सकता है जो डायरेक्ट हिट करेगा वो वापस से आ सकता है। यही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कहा कि अधिकांश भाग खाली है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल जिन्होंने हीलियम का न्यूक्लियस कहा था वे सीधे निकल गए बिना किसी से टकराए हुए, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। कुछ पार्टिकल्स में बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ था और 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो टकराकर वापस आ गया था। तब रदरफोर्ड ने कहा था कि इसका जो अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके केंद्र में विद्यमान रहता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस या नाभिक कहा था। इसके बारे में एक और उन्होंने बात कही थी कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, यदि आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा हो तो
तो इतना बड़ा, जितना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड होता है उतना लगभग ऐसे मान लीजिए कोई एक एटम है, और उसके अंदर हम एक छोटी सी टेनिस की बॉल रख दें, वो टेनिस की बॉल उसका न्यूक्लियस है। अब आप सोचिए कितना बड़ा वो ग्राउंड, उसमें छोटी सी टेनिस की बॉल क्या हुई है, न्यूक्लियस। बस वैसा ही एटम समझ लीजिए, एटम 10^-10 मीटर हम उसका साइज बता रहे हैं, और न्यूक्लियस में 10^-15, इसका मतलब उससे 10^5 टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस में एटम का सारा भार विद्यमान रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था, और इतना हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या रहे, इसको जरा समझने का प्रयास करें। हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, यानी कि उसका द्रव्यमान है, यानी कि उसका पॉजिटिव वाला पार्ट है, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज। होता क्या है कि जब कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल, चाहे निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल जब कभी सर्कुलेटरी मोशन करता है, वो किसी सर्किट में घूमता है, तो धीरे धीरे वो एनर्जी का लॉस करता है, वो रेडिएट करता है एनर्जी को, और जैसे जैसे वो एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। आप देखें यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड बी रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इन टू द न्यूक्लियस, इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। We know that atoms are quite stable. अगर ऐसा होता तो atoms को stable नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि atom बहुत stable। इसका मतलब उनके कहीं ना कोई पार्ट में कमी रही थी, जिसको बाद में बोर ने ठीक किया। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं, नील्स बोर ने क्या किया। नील्स बोर ने क्या कहा कि रदरफोर्ड ने जिस प्रकार कहा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा या किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो होगा क्या, वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा और अल्टीमेटली उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। लेकिन बोर ने कहा कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब कभी भी किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो वो दो तरह के फोर्स महसूस करता है। फिर दुनिया से ध्यान से सुनिए, दो तरह के फोर्सेज महसूस करता है। कौन से फोर्सेज, देखो, एक आपने फिजिक्स में राइट हैंडेड फ्लेमिंग रूल पढ़ा होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। उसमें क्या है, राइट हैंड को हम इस तरह से मोड़े जैसे हम उंगलियों को आपस में मोड़ लेते हैं और थंब को ऊपर की तरफ रखें, तो जैसे सर्कुलेटरी पाथ में घूम रहा है और थंब ये ऊपर की तरफ है तो वो बाहर की तरफ आकर्षण बल या ऊपर की तरफ आकर्षण बल महसूस करेगा। तो एक तो उसका फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स ऊपर की ओर या बाहर की ओर, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्थिर विद्युत आकर्षण बल से वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको दो तरह के फोर्सेस लगेंगे, एक जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, दूसरा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक जो बाहर की तरफ उसे खींच रहा है, एक जो न्यूक्लियस उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। और होता क्या है कि ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर हो जाते हैं, और चूंकि ये बराबर हो जाते हैं इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है बिना कोई एनर्जी लॉस के। ये बात समझ में आ गई, रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थी उन्होंने किस प्रकार दूर की। उन्होंने कहा ये दो प्रकार के फोर्सेज महसूस करता है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन इनमें लगातार घूमता रहता है, और इस घूमने वो किसी प्रकार की एनर्जी का रेडिएशन का ये इमिशन नहीं करता है। और जिन ये ऑर्बिट में, जिस पाथ में लगातार ये घूमता रहता है, उनको हम शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं। तो आप देखें स्क्रीन पर, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द एटम मॉडल ऑफ द एटम। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इनमें वो लगातार घूमता रहता है तो किसी प्रकार की एनर्जी का कोई रेडिएशन नहीं करता है, और इसी कारण से जिनमें ये घूमता रहता है उनको एनर्जी लेवल्स या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिट है या शेल है इनको एनर्जी लेवल्स कहें। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, इसमें आप देखें सबसे सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसके बाहर कुछ देखिए लिखा हुआ है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ये के एल एम एन शेल हैं। इन शेल्स में, इन कोश में इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और इन्हीं शेल्स को वो क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इनमें घूमने पर किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। यहाँ जो और एक बात समझने की है कि यहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या की अवधारणा भी दी। तो उन्होंने कहा के शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू 1 होती है, एल शेल के लिए एन इज इक्वल टू 2 होता है, एम शेल के लिए एन इज इक्वल टू 3, एन शेल के लिए एन इज इक्वल टू 4 और इसी प्रकार से ओ शेल के लिए एल इज इक्वल टू 5 होता है। तो यह भी आप याद रखें कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको हम शेल्स कह रहे हैं। और ये वही शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और इन शेल्स के बीच में आपको वेकेंट स्पेस दिख रहा होगा जहां पर कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो शेल्स है या एनर्जी लेवल्स है या ऑर्बिट्स है, ये इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आप ऐसे थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें, जैसे हम मानो आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, तो कुछ जगह आपको ऐसी मिलेंगे जो बहुत सारे आपको घर मिलेंगे और फिर बीच में ऐसा मिलेगा जो जहां पर लगभग कोई आपको घर या मकान बने हुए नहीं मिलेंगे, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर आपको मिलेंगे। तो कुछ जगह लोग रह रहे हैं फिर खाली स्थान, फिर कुछ रह रहे हैं फिर खाली स्थान। ऐसा स्थान या न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा भाग या ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 90 से 95% तक होती है, उसे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों स्थानों के बीच में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी 90 से 95% तक हो, वो ऑर्बिटल ऑर्बिट कहलाता है या शेल कहलाता है, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं या न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और इनके लिए इनको नाम दिया है के एल एम एन ओ और इसी प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है 1, 2, 3, 4, 5। यहां तक बात समझ में आ गई, नेक्स्ट लाइन। अब आगे समझने की कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस के बाद पहला जो ऑर्बिट है, पहला जो शेल है, जिसको हमने क्या कहा था, के शेल कहा था, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। बहुत ध्यान से बात समझना। तो हम उन्होंने कहा कि इसमें आप एक तरह से समझ लें, एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब एक एक करके बहुत धीरे धीरे बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, ये कभी भी 0 नहीं होती। ये और बात ध्यान से समझ लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। हाँ, जिसके बाद एजीमिथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मैट्रिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, वो 1, 2, 3, 4, 5 होगी। ये फ्रैक्शंस में भी नहीं होगी, ठीक है ना। ये दो बातों का ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ना तो 0 होगी और ना ही ये फ्रैक्शन में होगी, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होती है, ठीक है। अब बात को समझें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में या एक एनर्जी लेवल में या एक ऑर्बिट में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मान लीजिए एन की वैल्यू 1 यानी कि के शेल, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हुआ, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे, 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले शेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बात समझ में आ गई। 2n स्क्वायर, आप सेकंड लाइन में देखें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, 2n स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि केवल इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे, देखो बात करो सुनो कि पहला जो एटॉमिक नंबर है वो किसका है, हाइड्रोजन, और दूसरा है हीलियम का। तो हाइड्रोजन और हीलियम के इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, पहले शेल में रहते हैं यानी कि के शेल में रहते हैं, जो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इससे आगे की बात करें, मान लीजिए n = 2 के लिए हमने कौन सा शेल कहा था, एल शेल का, के बाद एल शेल, जिसका जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2। तो आप क्या करेंगे, 2 का 2 × 2 स्क्वायर कर देंगे, जो एन स्क्वायर है ना, एन की जगह क्या लिखेंगे, 2, तो 2 × 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8।
इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट में, जिसको हम सेकंड एनर्जी लेवल कह रहे हैं, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। अब यहीं पर हम फिर आपसे प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है, के एल एम, इसका मतलब कौन सा शेल हो गया? वो एम शेल हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो गई? 3। अब बताओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 × n² यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, 3² कितना हो गया? 9। 9 × 2 इसका मतलब 8। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑर्बिट में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तब आप ये बात समझ में आ रही होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल, जो पहले शेल की बात कर रहे हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार चौथा करेंगे तो 4² यानी कि 16 × 2 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन ये रह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम KLMN के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और फॉर्मूला हमारे पास 2n² है। यहीं पर एक और बात समझें, इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है n², इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n², ऑर्बिटल निकालने के लिए n², तो पहले वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। दूसरे वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे? 4। तीसरे वाले में कितने होंगे? 3² मतलब 9। अब यहां फिर आपको मैं एक बार वापस से बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करें, ऑर्बिटल की संख्या कितनी, पहले कितनी? 1, उसके बाद 3, क्योंकि सॉरी 4, 1 के बाद 4, और 4 के बाद कितनी हो गई? 9। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, और फिर 8, और उसके बाद फिर 18। तो आपके बात समझ में आ रही होगी, जहां एक ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है यानी कि दुगनी है। जहां पर हमने बात की 4 ऑर्बिटल कितने, 4, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। उसके बाद हमने बात की 9, तो 9 में कितने हो गए थे? 18 हो गए थे। इसका मतलब अब आपके बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। जैसे मानो पहले वाला में केवल एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे वाले में जाकर, दूसरे शेल में जब हम जाएंगे, तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या हो गई 4, उसमें इलेक्ट्रॉन लेंगे 8, यानी कि 8 एलिमेंट तक उसी में ही हमारे पास में आएंगे। तो जो दूसरा पहले वाले में केवल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस, एक जब ऑर्बिटल है तो स्मॉल एस, और जब 4 है तो 1s और 3p, तो 1s में 2, फिर 3p है, px py pz, तो px में भी 2, py में भी 2, और pz में भी 2, तो 2 2 2 कुल कितने हो गए? 8। इसी प्रकार से जब n = 3 में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ऑर्बिट कितने होंगे? 1 तो होगा एस का, 3 होंगे p के, और 5 होंगे d। तो ये s p d f ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जबकि KLMNO ये क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट कहलाते हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, कक्ष और कक्षक दोनों अलग अलग है। ऑर्बिट हमने क्या बोला, KLMNO, जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5, जबकि ऑर्बिटल क्या है? s p d f, s का मतलब शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, d का मतलब डिफ्यूज, f का मतलब फंडामेंटल। तो s में 1 ऑर्बिटल, p 3 ऑर्बिटल, d 5 ऑर्बिटल, और f 7 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड ऑर्बिट में देखें, एमपी जैसे हम बात कर रहे हैं 2 × 3² तो तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और फोर्थ ऑर्बिट जो एन है उसमें कितने आ सकते हैं? कुल 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यदि आप अगला भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, आपके सामने आप क्या करोगे, पांचवे के लिए बताओ क्या करोगे, KLMNO के लिए क्या करोगे? 2 × 5² वेरी गुड, तो 2 × 5² हो गया। इसका मतलब क्या, 5² मतलब 25 × 2 मतलब 50, यानी कि अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, यानी कि 50 एलिमेंट तक ये चौथे में आ सकते हैं, और इसी प्रकार से गणना कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो बाह्यतम कोश है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसी के आधार पर हम वैलेंसी या फिर संयोजकता का निर्धारण करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल इज फिल्ड। इसको भी समझने की कोशिश करो, तो बहुत अच्छी बात है। देखो हमने क्या कहा, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे वाले में क्या कहा, कितने आएंगे? 8। यहां तक बात समझ आ रही ना? तो अब यहां बात समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं होगा कि पहले दूसरा ऑर्बिट भर जाए, पहले पहला वाला ही भरेगा, जब इनर ऑर्बिटल भर जाएगा उसके बाद में आउटर ऑर्बिटल भरेगा।
जैसे मान लीजिए हम आपसे सवाल ये करें कि मान लीजिए सोडियम की बात, सोडियम का नाम आप सबने सुना, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 11, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, के शैल में, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो 2 तो वहां भर गए, फिर सेकंड वाले में कितने अधिकतम आ सकते हैं 8, 8 वहां आ गए, तो 2 और 8 10, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, अब बच गया कितना 1, 1 आएगा तीसरे वाले में, तो जो इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम हुआ वो हुआ पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरे वाले जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले उसमें सारे चले जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा लोअर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर वाला ऑर्बिटल जब भर जाएगा पूरा उसके बाद उससे उच्च ऊर्जा स्तर में यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और से फिर ऐसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भरते रहते हैं। तो आपके बाद ये समझ में आ गया जी आलोक सर, 2-3 मिनट शेष है हमारे इस सत्र में। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए जी। अब ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, देखो हाइड्रोजन, इसके बाद हमने लिथियम की बात की, हाइड्रोजन सबसे ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिथियम आपको देखो पहले वाले में 2, फिर इसमें 1, बेरिलियम में अंदर 2, फिर बाहर 2, इसी तरह से आपको सब में इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम दिखेगा, नियॉन लास्ट में जाकर यहाँ आ रहा है, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, आर्गन में जाकर लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस आधार पर इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम, आर्गन की बात करें तो आर्गन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहां आपको देखो सारे लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पहले वाले शेल में कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, उस आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन का विन्यास हम ले सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किस प्रकार से होता है। तो आपको ये जो रदरफोर्ड मॉडल के बाद में नील्स बोर का मॉडल और नील्स बोर मॉडल के बाद में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किस प्रकार से होता है वह इस वाली क्लास में हमने समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ गया होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज के सत्र के लिए, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें देख रहे थे इस सत्र को, उन्हें एटमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते हम एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट G20 से रिलेटेड साझा करना चाहते हैं। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेजिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudev Kutumbakam or the world is one family. और इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र यहीं संपन्न होता है, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पे, अभी बहुत सारे रोचक और ज्ञानवर्धक सत्र और भी मौजूद हैं। तो आप फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।